हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप दिख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज बात करेंगे डांस दीवाने जूनियर के बारे में। इसको हम डांस दीवाने सीजन 4 भी बोल सकते हैं। और ये जो शो है, बेसिकली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कंटेस्टेंट लिए गए हैं, जो कि आप इधर देख सकते हैं, दो मोस्ट पॉपुलर डांसर, जो चाइल्डहुड के अंदर मोस्ट पॉपुलर डांसर्स हैं, उनको लिया गया है। अभी मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही है, अफवाहें आ रही है, बट कुछ कह नहीं सकते, जो कि आप इधर स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। बट बात यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जितने भी रियलिटी शोज़ हैं आजकल, वो ऐसे हो चुके हैं कि वो सिर्फ टीआरपी के बेस पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो नॉर्मल लोगों को जो अभी तक किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में, किसी भी डांसिंग कंपटीशन में, किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। बट ये 80% तक ट्रू है ये बात बिल्कुल, क्योंकि इंडियन आइडल आपने देखा होगा, सारेगामापा देखा होगा, और या आप अभी डांस दीवाने जूनियर देख सकते हैं, या फिर वो इंडियन आइडल लिटिल मास्टर जो आने वाला है उसके अंदर आप देख सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही डांसर्स को, ऐसे ही सिंगर्स को आने वाले टाइम में लिया जाता है, जो मोस्ट पॉपुलर हों, या जिनको लोग जानते हों, या कहीं ना कहीं उनका ऑडियंस बेस हो, तो ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे ही लोगों को लेते हैं। और फिर ये 80% ट्रू भी है, जो कि मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बट फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने चाहिए, बिकॉज आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। कहीं ना कहीं से आपको एक बार किसी न किसी कॉम्पिटिशन में, किसी न किसी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जाना होगा, चाहे वो आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएं, या फिर आप उसके टेलीविज़न स्क्रीन तक ही जा पाए, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, देन आपकी जो जर्नी है स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी भी शो के अंदर जीते नहीं हो वो अलग बात है, बट अगर आप गए भी हैं किसी भी शो के अंदर, तो फिर आपको नेक्स्ट शो के लिए काफ़ी अच्छे चांस मिलते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फोकस ये रहना चाहिए कि आपको सिर्फ एंट्री पानी है, और अगर आप एंट्री पा लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन होने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, डांस दीवाने जूनियर 2022 के ऑडिशन प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ अभी भी चल रहे हैं, बिकॉज़ अभी अगर हम वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, इनके ऑफिशियल ऐप के ऊपर देखते हैं, तो हमें साफ साफ नज़र आता है कि जो ये कॉम्पिटिशन है अभी भी चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने वैसे तो 15-16 दिन पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी थी, आपको बता दिया था कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। और मोस्टली जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको वास्तव में जाना है, अपना करियर बनाना है डांसिंग फील्ड के अंदर, उन्होंने मोस्टली फॉर्म फिल कर दिया होगा। कुछ लोग हैं जो शायद ध्यान नहीं रखते, या फिर जिनको पता नहीं है, उनके लिए वीडियो है, वो पूरा देख सकते हैं, उनको मैं यही बता दूं कैसे फिल करना है। बाकी बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं आई है, यानी कि उनको कॉल नहीं किया गया कि सेकेंड राउंड के लिए आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं, तो उनको बोलना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। अगर आपके पास कॉल या फिर सेकेंड राउंड के लिए कोई भी जवाब नहीं आया है, तो आप निराश मत होइए, और ये मत सोचिए कि जो ये शो है ये फेक है, ये कॉल नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉल करते हैं, बट ये उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं जिनमें उनको पोटेंशियल दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट अभी आपको कुछ मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो इस चीज़ को गाइज आप समझिए, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता सेकंड राउंड के लिए, तो दूसरों पर ब्लेम मत कीजिए। आप ये देखिए कि ऐसा आपने क्या किया है, ऐसी कौन सी गलती करी है जिसकी वजह से डांस दीवाने हो, या फिर इंडियन आइडल लिटिल मास्टर हो, या कोई भी सिंगिंग रियलिटी शो, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अभी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं, बूट एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, और ये आप बिल्कुल सेम इसी तरह से खुलेगा। आप प्ले स्टोर पर बूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, वोट प्ले एंड विन का ऑप्शन आएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपके सामने डांस दीवाने जूनियर का पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, और आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं गाइज, ये जो फॉर्म है जूनियर्स के लिए, जूनियर डांसर के लिए है। तो बड़े लोग, यानी कि जिनकी एज 16 साल से ऊपर है, वो इसके अंदर नहीं जा सकते। और बहुत सिंपल प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, आप फिल कर सकते हैं, अपना लक आजमा सकते हैं,
और सबसे बड़ी बात भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो भी एक बार फॉर्म देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इधर अपना नेम डालना है, नेम वही डालना जो आपके आधार कार्ड में है, और जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को अपना नेम डालना है। ऐसा नहीं कि उनके फादर अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने बच्चे का तो फादर अपना नाम डाल दे, नहीं, आप उन्हीं का डालना है जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर डांस करके दिखाएंगे। उस बच्चे का नाम डालना है, फिर एज डालनी है, उसकी कितनी एज है, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो है वो डालिए, अदर है तो अदर। उसके बाद ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं, बच्चे की डाल सकते हैं, ऐसी ईमेल आईडी रखना है जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सके, कहने का मतलब ये है। फ़ोन नंबर डालना है, सिटी या स्टेट, सिटी स्टेट में से आपको डालना है। उसके बाद टाइप योर डांस, आप किस टाइप का डांस करते हैं, सोलो ड्यूड टायरो या फिर ग्रुप। तो मोस्टली सोलो ही मुझे लगता है बच्चे सोलो ही करते हैं, ग्रुप वाले बहुत कम होते हैं, तो सोलो आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। बाकी आपको पेरेंट परमिशन यस या नो, तो आपको इधर यस करना है और फिर ये अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, जैसे मैं ये वाली वीडियो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया और अभी ये नन दिखा रहा है, नन परसेंट। जब ये हो जाएगा 100% तो आपकी वीडियो का नाम इधर लिखा जाएगा, इसका मतलब आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और आप सबमिट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो इस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है। बाकी टर्म्स और कंडीशन पे जाकर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप ये फॉर्म आपको नहीं मिलता, कैसे आपको फिल करना है, आपको समझ नहीं आता, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक ईमेल है, अगर आप वो ईमेल याद रखते हैं और उस ईमेल पे अपनी वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर साफ साफ लिखा है, इसको अगर मैं जूम करूं तो, अगर नहीं जूम तो होगा नहीं, बट आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखा है पार्टिसिपेट थ्रू ईमेल मैकेनिज्म। और क्या है ईमेल मैकेनिज्म, इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं dd@colorstv.com, ये ईमेल है, इसको आप लिख लीजिए नोटबुक में और आप इधर ये पूरा पढ़ लीजिए कैसे क्या क्या है। और इसके अंदर आपको अपना नेम, अपनी एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी तो चली जाएगी जब आप ईमेल करेंगे, और बाकी उधर आपको इनको वीडियो सेंड कर देनी है इस ईमेल पे। तो ये भी एक प्रोसेस है, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप दोनों प्रोसेस से अपने बच्चे का फॉर्म, या फिर बच्चा अगर फॉर्म फिल कर रहा है तो फिर वो कर सकता है, कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं है। इस तरह से आप ज़रूर अजमाइए, और होता है नहीं होता वो अलग बात है, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मे बी आपका टैलेंट उनको पसंद आए और वो चाहें एक यूनिक टैलेंट, तो फिर डेफिनेटली आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। बाकी गाइस देखो, हर बड़े से बड़ा डांसर, बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा एक्टर इसी तरह से किसी भी कंपटीशन में जाता है, और अगर एक बार उसकी एंट्री हो जाती है तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस लेवल तक जा सके। राघव जुहल का नाम आपने सुना होगा, वो डांस इंडिया डांस के अंदर गए थे और स्टार्टिंग में एज ए कंटेस्टेंट गए, और धीरे धीरे उन्होंने, वो विनर भी नहीं बने, बट फिर भी उन्होंने, उनको आज काफ़ी अच्छे बड़े बड़े मंच के ऊपर बुलाया जाता है, डांस प्लस के ऊपर वो एज अ होस्ट काम करते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, और आप इधर देख सकते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आपके बच्चे की एज 4 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे है तो आप जा सकते हैं। तो ये पूरा टर्म्स और कंडीशन है, आप टर्म्स और कंडीशन पढ़कर फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, बाकी इस तरह की अपडेट मैं आपको लाता ही रहता हूँ। डांसिंग कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, रियलिटी शो, हर तरह की अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपना हाथ आजमा सकें। और जितने भी डांसर हैं उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये वीडियोस ला पा रहा हूँ मैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेसिकली वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मिलता रहूँगा इसी तरह से ऑडिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।